हेलो भाई, दिस इज शहबत फ्रॉम टेकरी चैनल को। आज जो बात करने वाला हूँ मैं कुछ जो अपडेट आया है सिक्स मतलब वन प्लस 60 का स्मार्टफोन अभी जो नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाला है वो भी उसका अपडेट है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में बता दूँगा आपको। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्योंकि अभी भी गणपति जो कल विसर्जन हुआ था, मतलब आज मॉर्निंग में कम्प्लीट हुआ था यहाँ का, मतलब जो भी विसर्जन करते हैं गणपति लालबाग का राजा, और यहाँ पे अभी भी कुछ मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ अगर आवाज़ यहाँ पे स्लो आएगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और मैं यहाँ आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। वन प्लस 60 जो स्मार्टफोन इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, इस फ़ोन को लेकर कई लीक रिपोर्ट सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि वन प्लस 60 स्मार्टफोन अगले महीने में लॉन्च हो सकता है। हालाँकि वन प्लस की तरफ से अभी भी स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, बट इस स्मार्टफोन के लिए कंपनी ने टेक्नोलॉजी मतलब टेलीविजन ऐड तो जो ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो लेकिन अभी भी इसको लेकर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा रहा है कि वन प्लस 60 का विज्ञापन मतलब इसका जो एड बॉलीवुड के सांसद अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि इसके भी वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर तो हैं। लीक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम इसकी बात करें तो जो लीक रिपोर्ट्स के अगर आधार पे हम बात करें तो इसका जो वन प्लस 60 में एंड्रॉय मतलब वाटर एंड्रॉयड वाटर ड्रॉप इंस्टॉल्ड मतलब जो भी स्टाइल लॉन्च दी जा सकती है इसके हिसाब से, तो फ़ोन में की का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% मतलब 90% आप कह लो उसको होगा। वन प्लस ने हाल ही में कंफर्म किया है कि अगर डिवाइस में बेहतर सिक्योरिटी के लिए इन दोनों डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। ऐसे भी खबर आ रही है कि अगर कंपनी को फाउंडर का कार मतलब कर्ल पाई ने भी इस बात के लिए भी पुष्टि कर दी गई है कि वन प्लस के लिए 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं देगा। कंपनी ने अपने हार्डवेयर में बदलाव तो कर ही रही है, और गैजेट टाउन की रिपोर्ट के मुताबिक वन प्लस के 60 स्मार्टफोन में 3500 mAh की बैटरी भी कैपेसिटी दी जा सकती है। इस फोन में ओस सुपरफास्ट चार्जर भी सपोर्ट दी जा सकती है। अगर ये सपोर्ट टाइप सी पार्ट के लिए दिया जा सकता है तो इस स्मार्टफोन का स्नैपड्रैगन के 845 प्रोसेसर मतलब इसका भी दिया जा सकता है। ये फ़ोन के 6GB RAM में और 8GB RAM में ऑप्शन भी आ सकता है। इसकी स्टोरेज में 256GB तक हो सकती है। और भी इसके जो रिगार्डिंग अगर खबर हम माने इसकी तो और भी फ़ोन के इसी द्वारा जो मैं बताया था आपसे कि एक और अपडेट है, जो कि अपडेट तो हो गया लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो उस चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वन प्लस 6 के यूजर के लिए हम एक अच्छी सी खबर लाएँ। वन प्लस ने नए लगभग अपने फ्लैश जो फ्लैगशिप है स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉयड 9.5 अपडेट रोल आउट शुरू कर दिया है। बेटर रोल के होने के बाद वन प्लस 6 जो को अब स्टेबल एंड्रॉयड ऐप अपडेट मिल रहा है। इसमें अपडेट के साथ ही आपको वन प्लस के ऑक्सीजन OS के वर्जन के एंड्रॉयड और वर्जन ने नंबर जैसा कर रहा है। कंपनी ने एंड्रॉयड 9.5 अपडेट के साथ ही अपने ऑक्सीजन O7 को भी नए 9.0 के वर्जन बना दिया है, और भी इसको नाम वही दिया है वन प्लस 6 के अलावा। कंपनी ने दावा किया है कि लेटेस्ट एंड्रॉयड जो आपको वर्जन जल्द ही वन प्लस 5T के वन प्लस 5 वन प्लस 3T के वन प्लस 3 जैसे बाकी स्मार्टफोन में भी दिया जाएगा। आप उस तरीके से उसको देख सकते हैं, यूज़फुल आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और भी से नए फीचर्स हैं मेजर सपोर्ट के, इससे कलर और कस्टमाइजेशन एडजस्टेबल है, डू नॉट डिस्टर्ब और भी सितंबर 2018 एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच शामिल है। जो भी आप इसमें भी एडेप्टिव बैटरी फीचर्स की भी शामिल किया गया है जो आपकी बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में चलने वाली ऐप्स के मॉनिटर करता है, और ज़्यादा बैटरी यूज़ करने वाली ऐप्स को स्टॉप कर देता है। वन प्लस 6 को अपडेट के साथ गेमिंग मोड भी 3.0 का भी शामिल है इसमें, जो आपको टेक्स्ट मैसेजेस और थर्ड पार्टी के कॉल नोटिफिकेशन दिखा सकता है। और बात करें अगर अपडेट साइज की, लगभग 1.5GB है। इसके लिए आपको अपडेट प्रोसेस के लिए भी एक स्टेबल वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत होगी। वन प्लस का कहना है कि अपडेट फेस तरह से रोल आउट किया जा रहा है, ये शुरुआती का लिमिटेड यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी कंपनी ने इस बड़े पैमाने पर यूजर के लिए रोल आउट करने का वादा किया था। हालांकि ये जो अपने डिवाइस में अपडेट आने पर भी खुद नोटिफिकेशन मिलेगा, आप अपडेट को खुद से भी चेक कर सकते हैं। और भी इसके लिए फ़ोन की सेटिंग भी ऐप पर भी जाना होगा।
आपको करना होगा। तो इस तरह के नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं आप, उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वन प्लस टी का जो अपडेट आता है वो तरीके से आप करके आपको और भी इंटरेस्टिंग और मज़ा भी आने वाला है इसमें। बस ये थी अपडेट इसमें। अगर और भी कुछ अपडेट जानना है तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आता हूँ और आप लोगों के सामने आपका इंटरेस्ट और चीज़ होगा। और आज संडे, आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब मैं ऑनलाइन आने वाला हूँ शाम तक, वहाँ पे देखूँगा किस तरीके से क्या क्या लोगों का क्वेरी है उसका जवाब दूंगा। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे का, फिर और अमेजोन का, और फिर रिफंड रिप्लेसमेंट एक्सचेंजेबल के जरिए सारी चीज़ें मैं आप देने वाला हूँ। तो अगर आपको ऐसा बनना है तो शाम तक वेट करिए। हालांकि मेरा कोई टाइम तो अभी फिक्स नहीं किया हूँ कि कब मैं ऑनलाइन आता हूँ या फिर कब मैं यहाँ पे टिकटॉक करूँगा। तो अभी के लिए वीडियो में बंद करता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सारा जवाब यहाँ पे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।